बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम अगेन विद अ न्यू वीडियो और हम लोग जो हैं वो कंप्यूटर को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं या फिर वैसे कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आती है, दैट इज़ जॉब या फिर टास्क। तो कोई जॉब या टास्क या फंक्शन कोई भी ऐसा एक्शन है जो कि परफॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग द कंप्यूटर। अब हमारे पास दो तरह की जॉब्स या टास्क हो सकते हैं, ये सीपीयू बाउंड जॉब्स भी हो सकती हैं एंड आईओ बाउंड जॉब्स भी हो सकती हैं। आईओ का जो वर्ड है वो इनपुट एंड आउटपुट बाउंड जॉब से होता है, यानी ये कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड कोई काम है, उनसे रिलेटेड कोई जॉब्स है तो उन्हें आईओ बाउंड जॉब्स कहा जाएगा। एंड सीपीयू से रिलेटेड जो है कोई जॉब्स हैं तो उन्हें सीपीयू बाउंड जॉब्स कहा जाएगा। ओके, नाउ एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं। सीपीयू बाउंड जॉब्स मोस्टली परफॉर्म कंप्यूटेशंस विद लिटिल आईओ ऑपरेशंस। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस यूजुअली फॉल इन दिस कैटेगरी। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि सीपीयू बाउंड जॉब्स कौन सी होती है। तो सीपीयू बाउंड जॉब्स वो जॉब्स हैं जो कि कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, प्रोसेसिंग यूनिट है, वो परफॉर्म करता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटेशंस होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस वगैरह हो जाएंगी, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस वगैरह हो जाएंगी, ठीक है, जैसे 3D मॉडल्स वगैरह बनाना, ये सारे के सारे काम जो है वो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट करता है। सो ये सीपीयू बाउंड जॉब्स हैं, इनमें आपको इनपुट आउटपुट नहीं देना पड़ता। मतलब ये कि बार बार आपको ये नहीं कहता कि आप इस वर्ड को क्लिक करें या फिर आप उस इनपुट को दें या फिर आप इस आउटपुट को लें, इसको एसेस करें और फिर जो है ना वो इसके बेस पे कोई इनपुट दें। तो मतलब कीबोर्ड वगैरह या फिर जो है वो हमारे पास जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उनसे रिलेटेड कोई काम नहीं होता इसका, बल्कि मोस्टली क्या होता है जो कंप्यूटेशंस होती हैं, जो प्रोग्राम्स बड़े बड़े बनाने होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है, मेमोरी सिस्टम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, डिफरेंट इंजन्स जो कि बेसिकली किसी काम को प्रोसेस करते हैं, जैसे कंप्यूटेशंस हो गए, बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो गई उनको कैसे करना है। किसी चीज़ को सर्च करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, ठीक है, आपने वो इनपुट दिया है। तो अब क्या है कि जब आपने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तो आईओ डिवाइसेस, आईओ बाउंड जॉब तो आपकी ख़त्म हो गई, ठीक है, आपने इनपुट तो उसको दे दिया, लेकिन क्या है कि अब ये सीपीयू का काम है कि वो जो आपने फाइल, जिस फाइल को मांगा या फिर जो टास्क उसको परफॉर्म करने के लिए दिया, वो टास्क वो परफॉर्म करे, अपनी कैलकुलेशंस करे कि वो मेमोरी में किस जगह पे लोकेटेड है वो फाइल, उसका क्या नाम है, उसके सिक्योरिटी को इश्यूज़ हैं तो वो कौन कौन से सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसके अंदर कोई मालवेयर तो नहीं है। ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो सीपीयू बाउंड जॉब्स होते हैं। जैसे कि आप जो है वो एंटीवायरस स्कैनिंग पे लगा देते हैं अपना कंप्यूटर, तो अब जब आपने एंटीवायरस स्कैनिंग पे अपना कंप्यूटर लगा दिया तो जो वो स्कैनिंग हो रही है वो सारी की सारी कौन सी है, सीपीयू बाउंड जॉब है। आपने अपना इनपुट उसको दे दिया, आपकी आईओ बाउंड जॉब जो है वो ख़त्म हो गई है, ओके, ये बाकी अब सारा का सारा प्रोसेसिंग सिस्टम का काम है, प्रोसेसिंग यूनिट का काम है कि वो कैसे प्रोसेस करते हैं, मालवेयर को डिटेक्ट करते हैं। अब उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आप उस मालवेयर को डिलीट करना चाहते हैं, उस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं उसके साथ। तो यहाँ पर जो है वो आईओ बाउंड जॉब आ जाएगी जो कि रिलेटेड है टू द आईओ सिस्टम, यानी ये कि अब आप उसको इनपुट देंगे, एक यस क्लिक करेंगे या नो क्लिक करेंगे, कैंसिल करेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा ऑप्शन देते हैं चूज़ करने के लिए, जिसके बेस पे वो उसको उस एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि सीपीयू बाउंड जॉब जो है वो खालिस जो है वो कंप्यूटर का अपना काम है, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट कोई नहीं होती, लेकिन आईओ बाउंड जॉब में आपकी इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होती है। जैसे अब आपने प्रिंट आउट करने के लिए दिया है तो क्या है, आप प्रिंट आउट का ऑप्शन उसको देंगे तो ही वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अब आपने प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन दिया, मोस्टली ये होता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर की जॉब्स होती हैं वो रिलेटेड होती हैं, आप जाहिर सी बात है इनपुट देंगे तो ही जो है वो कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहले क्या है कि एक जॉब के दो हिस्से हैं, वो इनपुट आउटपुट बाउंड भी होती है, आईओ डिवाइसेस से भी बाउंड होती है, और दूसरा वो बाउंड होती है टू द प्रोसेसिंग यूनिट। आपने इनपुट दिया उसको प्रिंट आउट करने के लिए तो ही वो प्रिंट आउट करेगा, खुद से वो कभी भी प्रिंट आउट नहीं करेगा, ठीक है। अब जब आपने प्रिंट आउट दे दिया तो कितने पेजेस हैं, कितना टाइम लगेगा प्रिंट आउट होने में, ये सारा के सारे काम किसके हैं, वो सीपीयू के हैं। उसके बाद अगर आपके प्रिंटर में कोई मसला आ जाता है, सपोज़ आपके जो प्रिंटर है उसके जो पेजेस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो अब आपने कमांड दे सकते हैं, आप उसको स्टॉप करने की, आप उसको पॉज करने की, ब्रेक करने की, कोई भी ऑप्शंस आप जो क्लिक करते हैं वो क्या होंगी, आईओ बाउंड जॉब्स हो जाएंगी। तो
ये सारे के सारे जॉब जो है वो रिलेटेड है. मैं आईओ बाउंड जॉब्स को पढ़ देती हूँ. दफ़ा मोस्टली परफॉर्म आईओ ऑपरेशंस विद लिटिल कंप्यूटेशन. इनमें जो है कंप्यूटेशन नहीं होती, इनमें जो है वो मतलब जो कंप्यूटर की अपनी प्रोसेसिंग है वो इन्वॉल्व नहीं होती, और ये आपका काम होता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपने क्या करना है. तो इस वजह से आईओ बाउंड जॉब्स होती हैं. कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन यूजली फॉल इन दिस कैटेगरी. मोस्टली अगर आपने कोई डाटा इनपुट करना है, जैसे आपने एक्सेल पे इनपुट करना है या फिर वर्ड पे इनपुट करना है, तो यहाँ पर आप एक एक वर्ड जो है वो टाइप करेंगे, वो आप टाइपिंग जो है वो स्पीच के ज़रिए से कर सकते हैं या फिर हैंड टाइपिंग कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करते हैं. तो यहाँ पर जो होती है वो आईओ डिवाइसेस चूँकि इन्वॉल्व होती हैं, और ये इस वजह से जो है वो यह आईओ बाउंड जॉब है. जबकि जहाँ पे मोस्टली कंप्यूटेशंस होती हैं, कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, कोई फॉर्मूला सॉल्व करना है, कोई डेरिवेशन सॉल्व करनी है और उसका आउटपुट लाने के, सारी की सारी जो है वो सीपीयू बाउंड जॉब्स होती हैं. सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई देन आप जो है वो कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स पूछ सकते हैं, एंड अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं देन ऑफकोर्स उसको भी आप मेंशन करते हैं इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू एवरीवन.